بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب المجني ومن تترس بترس صاحبي ढाल का बयान और जो अपने साथी की ढाल को इस्तेमाल करे उसकी तफसील। हदीस नंबर 2902 अनस बिन मालिक रदी अल्लाह वन्हो रिवायत करते हैं कि अबू तलहा अपनी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ एक ही ढाल से कर रहे थे और अबू तलहा बड़े अच्छे तीर अंदाज थे। जब वो तीर मारते तो नबी अकरम सर उठाकर देखते कि तीर कहाँ जाकर गिरा है। एक ही ढाल से दो मुजाहिदीन के बचाव करने का जवाब साबित हुआ, जैसा कि हजरत अबू तलहा का अमल हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी निशानाबाजी की कामयाबी मालूम करने के लिए नजर उठाकर देखते कि तीर कहाँ जाकर गिरा है, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए भी। हदीस नंबर 2903 सहल बिन साद साइदी रिवायत करते हैं कि जब उहुद की लड़ाई में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद आपके सरे मुबारक में तोड़ा गया, खुद यानी हेलमेट कह लीजिए, और चेहरा खून आलूद हो गया और आपके आगे के दांत शहीद हो गए, तो हजरत अली ढाल में भर भर कर पानी ला रहे थे और हजरत फातिमा जख्म धो रही थी। जब इन्होंने देखा कि खून पानी से और ज्यादा निकल रहा है तो उन्होंने एक चटाई जलाई और उसकी राख को आपके जख्मों पर लगा दिया जिससे खून का आना बंद हो गया। दंदाने मुबारक को सदमा पहुंचाने वाला उतबा बिन अबी वक्कास था। उसने आपके करीब जाकर एक पत्थर मारा, मगर फौरन ही हजरत हातिब बिन अबी बलताआ ने एक ही जर्ब से उसकी गर्दन उड़ा दी और अब्दुल्ला बिन कमिया मरदूद ने पत्थर मारे। आपने फरमाया, अल्लाह तुझे तबाह करे। ऐसा ही हुआ कि एक पहाड़ी बकरी ने निकलकर उसको सींगों से ऐसा मारा कि टुकड़े टुकड़े कर दिया। सच है, वो लोग किस तरह फलाह पा सकते हैं जिनके हाथों ने अपने जमाना के नबी के सर को जख्मी कर दिया हो। हदीस नंबर 2904 मालिक बिन अवस बिन हदसान हजरत उमर से रिवायत करते हैं कि बनु नजीर के बागात वगैरह अमवाल उनमें से थे जिनको अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर लड़े दे दिया था। मुसलमानों ने उनके हासिल करने के लिए घोड़े और ऊंट नहीं दौड़ाए, तो ये अमवाल खास तौर से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के थे, जिनमें से आप अपनी अजवाजे मुतहरात को सालाना नफका के तौर पर भी दे देते थे और बाकी हथियार और घोड़ों पर खर्च करते थे ताकि अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए हर वक्त तैयारी रहे। बाबुन हदीस नंबर 2905 मुत्तफक अलैह अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं कि मैंने हजरत अली रदी अल्लाह वन्हो से सुना, अब बयान करते थे कि साद बिन अबी वक्कास के बाद मैंने किसी के मुतालिक नबी अकरम से नहीं सुना कि आपने खुद उन पर फेदा किया हो। मैंने सुना कि आप फरमा रहे थे, तीर बरसाओ साथ, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों।
इस हदीस से तीर अंदाजी की फजीलत साबित हुई, इस तौर पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन अबी वक्कास की तीर अंदाजी पर उनको शाबाशी पेश फरमाई। मालूम हुआ कि फनून हर्ब जिनमें महारत पैदा करने से अल्लाह पाक की रजा मतलूब हो बड़ी फजीलत और दर्जात रखते हैं। असर हाजिर के जुमला आलात हर्ब में महारत को इसी पर कयास किया जा सकता है। सद अफसोस कि मुसलमानों ने इन नेक कामों को कतान भुला दिया, जिसकी सजा वो मुख्तलिफ अजाबों की शक्ल में भुगत रहे हैं। बाबु दरक ढाल का बयान, हदीस नंबर 2906। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहां तशरीफ लाए तो दो लड़कियां मेरे पास जंगे बुआस के गीत गा रही थीं। आप बिस्तर पर लेट गए और चेहरे मुबारक दूसरी तरफ कर लिया, और इसके बाद अबू बकर आ गए और आपने मुझे डांटा कि यह शैतानी गाना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया इन्हें गाने दो। फिर जब अबू बकर दूसरी तरफ मुतवज्जे हो गए तो मैंने उन लड़कियों को इशारा किया और वो चली गईं। हदीस नंबर 2907। आयशा ने बयान किया कि ईद के दिन सूडान के कुछ सहाबा ढाल और हेराब का खेल खेल रहे थे। अब या तो मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या आपने ही फरमाया तुम भी देखना चाहती हो। मैंने कहा जी हाँ। आपने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया, मेरा चेहरा आपके चेहरा पर था, इस तरह मैं पीछे पर्दे से खेल को बखूबी देख रही थी और देख सकती थी। और आप फरमा रहे थे खूब बनू अरफिदा। जब मैं थक गई तो आपने फरमाया बस। मैंने कहा जी हाँ। आपने फरमाया जाओ। यहां पर आगे सनद के बारे में थोड़ी सी बात है कि अहमद ने बयान किया और उनसे इब्ने वहब ने अबू बकर के आने के बाद दूसरी तरफ मुतवज्जे हो जाने के लिए लफ्ज़ आमिला के बजाय फलम्मा गफला नकल किया है। फलम्मा गफला यानी जब वो जरा गाफिल हो गए। रिवायत में कुछ सहाबा के ढालों और बर्चियों से जंगी करतब दिखलाने का जिक्र है, इसी से मकसद बाप साबित हुआ। ये भी मालूम हुआ कि तारीखी और जंगी करतबों का नजारा देखना जायज है। पर्दा के साथ औरतें ऐसे खेल देख सकती हैं। बाबुल हमाइली व तालीकी सैफ बिलउनुक, तलवारों की हमाइल और तलवार का गले में लटकाना, हदीस नंबर 2908। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा बहादुर थे। एक रात मदीना पर एक आवाज सुनकर बड़ा खौफ छा गया था। सब लोग उस आवाज की तरफ बढ़े लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे थे और आपने ही वाकया की तहकीक की। आप अबू तलहा के एक घोड़े पर सवार थे जिसकी पुश्त नंगी थी। आपकी गर्दन में तलवार लटक रही थी और आप फरमा रहे थे कि डरो मत। फिर आपने फरमाया हमने तो घोड़े को समंदर की तरह तेज पाया है, या ये कहा घोड़ा जैसे समंदर है। बाबू माजा फिलहिल सुयूफ, तलवार की आराइश करना, हदीस नंबर 2909। सुलेमान बिन हबीब कहते हैं मैंने अबू अमामा बाहली से सुना
वो बयान करते थे कि एक कौम यानी सहाबा ने बहुत सी फतूहात हासिल की और उनकी तलवारों की आराइश सोने चांदी से नहीं हुई थी, बल्कि ऊंट की पुश्त का चमड़ा, सीसा और लोहा उनकी तलवारों के जेवर थे, ये सब जड़े हुए थे। अहदे जाहिलियत में तलवारों की जेबाइश सोने चांदी से किया करते थे। मुसलमानों ने जाहिरी जेबाइश से कतई नजर करके तलवारों की जेबाइश और मस्नूई उम्दगी सीसे और लोहे से की कि दर हकीकत यही उनकी जेबाइश थी। आलाते हर्ब को बेहतर से बेहतर शक्ल में रखना आज भी जुमला मुतमद्दिन अक्वामे आलम का दस्तूर है। बाबु मन अल्लक सैफ बिशजर फिस्सफरी इंदल काइला, जिसने सफर में दोपहर के आराम के वक्त अपनी तलवार दरख्त से लटका दी। हदीस नंबर 2910। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नजद के अतराफ में एक गजवा में शरीक थे। जब हुजूर अकरम जिहाद से वापस हुए तो आपके साथ ये भी वापस हुए। रास्ते में कैलूला का वक्त एक ऐसी वादी में हुआ जिसमें बबूल के दरख्त बकसरत थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वादी में पड़ाव डाला और सहाबा पूरी वादी में दरख्त के साए के लिए फैल गए। आपने भी एक बबूल के नीचे क्याम फरमाया और अपनी तलवार दरख्त पर लटका दी। हम सब सो गए थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारने की आवाज सुनाई दी। देखा गया तो एक बदवी आपके पास था। आपने फरमाया, इसने गफलत में मेरी ही तलवार मुझ पर खींच ली थी और मैं सोया हुआ था। जब बेदार हुआ तो नंगी तलवार उसके हाथ में थी। उसने कहा मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? मैंने कहा अल्लाह अल्लाह 3 मर्तबा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने उसी तरह कहा और तलवार उसके हाथ से छूटकर गिर गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराबी को कोई सजा नहीं दी, बल्कि आप बैठ गए और मूसा बिन इस्माइल ने इब्राहिम बिन साद से इनसे जोरी ने बयान किया कि उसने तलवार नियाम में कर ली, अब वो बैठा हुआ है, फिर आपने उसको कोई सजा नहीं दी। इब्ने इसहाक ने मगाजी में यूं रिवायत किया है कि काफिरों से इस गंवार जिसका नाम दासूर था ये कहा कि उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं, इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं और मौका अच्छा है। चुनांचे वो आपकी तलवार लेकर आपके सिराने खड़ा हो गया और कहने लगा कि अब आपको कौन बचाएगा? आपने फरमाया, मेरा बचाने वाला अल्लाह है। आपने यही फरमाया ही था, आपने बात कही ही थी कि फौरन हजरत जिब्रील तशरीफ लाए और उस गंवार के सीने पर एक घूंसा मारा और तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी, जो आपने उठा ली और फरमाया कि अब तुझको कौन बचाएगा? उसने कहा कोई नहीं। बाबो लुफसिल बैदा, खोद पहनना, लोहे की टोपी जो मैदान जंग में सर की हिफाजत के लिए पहनी जाती है। हदीस नंबर 2911। सहल बिन साद साइदी रिवायत करते हैं, इनसे उहुद की लड़ाई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मी होने के मुतालिक पूछा गया।
तो इन्होंने बताया आपके चेहरे मुबारक पर जख्म आए और आपके आगे के दांत टूट गए थे और खुद आपके सर मुबारक पर टूट गई थी और खुद यानी हेलमेट आपके सरे मुबारक पर टूट गई थी जिससे सर पर जख्म आए थे। हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा खून धो रही थी और अली पानी डाल रहे थे। जब हजरत फातिमा ने देखा कि खून बराबर बढ़ता ही जा रहा है तो उन्होंने एक चटाई जलाई और उसकी राख को आपके जख्मों पर लगा दिया जिससे खून बहना बंद हो गया। जंगे उहुद में सबसे ज्यादा अलमनाक हादसा यह हुआ कि रसूल अकरम को चोटें आईं और आप जख्मी हो गए। चेहरा का जख्म इब्ने कमिया के हाथों से हुआ और दांतों का सदमा उतबा बिन अबी वक्कास के हाथों से पहुंचा और खोद को आपके सरे मुबारक पर तोड़ने वाला अब्दुल्ला बिन हेशाम था। खोद लोहे का टोप जो सर की हिफाजत के लिए पहना जाता है। हदीस से इसका पहनना साबित हुआ और जंगे उहुद की तफसील किताबुल मगाज़ी में इंशाल्लाह आएगी। बाबु मल्लम यरा कसर सिलाही इंदल मौत, किसी की मौत पर उसके हथियार वगैरह तोड़ने का बयान, यानी उसका तोड़ना दुरुस्त नहीं है और जायज नहीं है। अम्र बिन हारिस रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात के बाद अपने हथियार एक सफेद खच्चर और एक किता अराजी जिसे आप पहले ही सदका कर चुके थे इनके अलावा और कोई चीज नहीं छोड़ी थी। अरब जाहिलियत का ये दस्तूर था कि जब किसी कबीला का सरदार या कबीला का कोई बहादुर मर जाता तो उसके हथियार तोड़ दिए जाते। ये इस बात की अलामत समझी जाती थी कि अब इन हथियारों का हकीकी माना में कोई उठाने वाला बाकी नहीं रहा है। जाहिर है कि इस्लाम में ऐसा अमल हरगिज जायज नहीं। रसूल अकरम की वफात के बाद आपके हथियार वगैरह सब बाकी रखे गए। इसी से तर्जमतुल बाब साबित हुआ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये बाब लाकर इशारा किया कि शरीयत इस्लामी में ये काम मना है क्योंकि इसमें अमल का जाय करना है। बाब व तफरुक الناس यानी الامام عند القائل والاستظلال بالشجر, दोपहर के वक्त दरख्तों का साया हासिल करने के लिए फौजी लोग इमाम से जुदा होकर मुतफरिक दरख्तों के साये तले फैल सकते हैं और दूर दूर जाकर के लेट सकते हैं। हदीस नंबर 2913। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने खबर दी कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक लड़ाई में शरीक थे, एक ऐसे जंगल में जहां बबूल के दरख्त बकसरत पाए जाते थे। कैलूला का वक्त हो गया, तमाम सहाबा साये की तलाश में पूरी वादी में मुतफरिक दरख्तों के नीचे फैल गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दरख्त के नीचे क़याम फरमाया। आपने तलवार दरख्त के तने से लटका दी थी और सो गए थे। जब आप बेदार हुए तो आपके पास एक अजनबी मौजूद था। उस अजनबी ने कहा था कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। फिर आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी और जब सहाबा आपके करीब पहुंचे तो आपने फरमाया, इस शख्स ने मेरी ही तलवार मुझ पर खींच ली थी और मुझसे कहने लगा कि अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। मैंने कहा, अल्लाह। इस पर वो शख्स खुद ही दहशत ज़दा हो गया और तलवार नियाम में कर ली। अब ये बैठा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई सजा नहीं दी थी।
यह हदीस ऊपर गुजर चुकी है। यहां इमाम बुखारी इस हदीस इसको लाकर ये अम्र साबित करना चाहते हैं और ये बात बताना चाहते हैं कि फौजी लोग दोपहर में कहीं चलते हुए जंगल में कैलूला करें तो अपनी पसंद के मुताबिक सायादार दरख्त तलाश कर सकते हैं और अपने कैद से आराम करने के लिए अलग हो सकते हैं और ये आदाब जंग के खिलाफ नहीं है। बाबो मकील फिरेमा भालों का बयान। इब्ने उमर से बयान किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी रोजी मेरे नेजे के साए तले रखी गई है और जो मेरी शरीयत की मुखालफत करे उसके लिए जिल्लत और ख्वारी को मुकद्दर कर दिया गया है। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने अल-मुस्नद में मौसूलन रिवायत किया है। मतलब ये कि मेरा पेशा सिपागिरी है। दूसरी हदीस में है कि मेरी उम्मत की सौदागरी जिहाद है। हदीस नंबर 2914 अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलह हुदैबिया के मौका पर मक्का के रास्ते में आप अपने चंद साथियों की मईयत में एहराम बांधे हुए थे, लश्कर से पीछे रह गए। खुद कतादा ने भी अभी एहराम नहीं बांधा था। फिर इन्होंने एक गौरे खर देखा और अपने घोड़े पर शिकार करने की नीयत से सवार हो गए। इसके बाद इन्होंने अपने साथियों से जो एहराम बांधे हुए थे कहा कि कोड़ा उठा दें। उन्होंने इससे इनकार कर दिया। फिर उन्होंने अपना नेजा मांगा, उसके देने से उन्होंने इनकार कर दिया। आखिर उन्होंने खुद उसे उठाया और गौरे खर पर झपट पड़े और उसे मार लिया। नबी अकरम के सहाबा में से बाज ने तो उसका गोश्त खाया और बाज ने उसके खाने से एहराम के उज्र की बिना पर इनकार कर दिया। फिर जब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे तो उसके मुतालिक मसला पूछा। आपने फरमाया, ये तो एक खाने की चीज थी जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता की। और इसी में आगे चल कर के है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या इसका कुछ बचा हुआ गोश्त अभी तुम्हारे पास है? इस हदीस में हजरत अबू कतादा का नेजों से मुसल्ला होना मजकूर हुआ है। इसी से बाप का मतलब साबित हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत का मकसद ये कि मुसलमान के लिए ये अम्र बाई से फख्र है कि वो हर हाल में अल्लाह का सिपाही है। हर हाल में सिपाहियाना जिंदगी गुजारना यही उसका ओढ़ना और बिछौना है। सद अफसोस कि आम अहले इस्लाम बल्कि खवास तक इन हकायक़ इस्लाम से हद दर्जा गाफिल हो गए हैं। उलमाए जवाहिर सिर्फ फुरूई मसाइल में उलझ कर रह गए और हकायक़ इस्लाम नजरों से बिल्कुल ओझल हो गए, जिसकी सजा सारे मुसलमान आम तौर पर गुलामाना जिंदगी की शक्ल में भुगत रहे हैं इल्ला माशाअल्लाह। बाबु माकीला फी दिरई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल खमीस फिल हर्बी। नबी अकरम का लड़ाई में जिरह पहनना इसी तरह लोहे का कुर्ता जेबतन करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खालिद बिन वलीद ने तो अपनी जिरहें अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दी हैं, फिर उसे जकात मांगना भेजा है, क्यों उनसे जकात मांगी जा रही है? अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम बद्र के दिन दुआ फरमा रहे थे। उस वक्त आप एक खेमा में तशरीफ फरमा थे। ऐ अल्लाह, मैं तेरे अहद और तेरे वादे का वास्ता देकर फरियाद करता हूँ। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे
तो आज के बाद तेरी इबादत न की जाएगी। इस पर हजरत अबू बकर ने आपका हाथ पकड़ लिया और अर्ज किया, बस कीजिए अल्लाह के रसूल, आपने अपने रब के हुजूर में दुआ की हद कर दी है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जीरा पहने हुए थे, आप बाहर तशरीफ लाए तो जुबाने मुबारक पर यह आयत थी, मुशरिकीन की जमात जल्द ही शिकस्त खाकर भाग जाएगी और पीठ दिखाना अख्तियार करेगी और क्यामत के दिन का उनसे वादा है और क्यामत के दिन बड़ा ही भयानक और तल्ख होगा। वहैब ने बयान किया उनसे खालिद ने कि बद्र के दिन का ये वाकया है, यानी ऐ अल्लाह आज तू अपना वादा अपने फजल व करम से पूरा कर दे। वादा ये था कि या तो काफिला आएगा या काफिरों पर फतेह होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के वादों पर कामिल भरोसा था, मगर मुसलमानों की बेसरो सामानी और किल्लत और काफिरों की कसरत को देखकर बमुक्तज़ाए बशरियत आपने फरमाया, लम तुबद बाद अल्यौम, का मतलब ये कि दुनिया में आज तेरे खालिस पूजने वाले यही 313 आदमी हैं, अगर तू इनको भी हलाक कर देगा तो तेरी मर्जी, क्योंकि मेरे बाद फिर कोई पैगंबर आने वाला नहीं, तो क़यामत तक शिर्क ही शिर्क रहेगा और तुझे कोई ना पूजेगा। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी की दुआओं को कबूल किया और बद्र में काफिरों को वो शिकस्त दी कि आइंदा के लिए उनकी कमर टूट गई और अहले इस्लाम की तरक्की के रास्ते खुल गए। इस हदीस से मैदान जंग में ज़िरह पहनना साबित हुआ। आजकल मशीनी दौर है, लिहाजा मैदान जंग के भी कदीम अतवार बदल गए हैं। मौजूदा दौर में अपने तहफ़ुज़ के लिए जो हथियार और सामान मतलूब हैं, वजारत दिफा उनको खरीद कर दे और अपनी वजारत को, यानी वजारत दिफा को, डिफेंस मिनिस्ट्री को मजबूत से मजबूत बनाए। आयशा रदी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो आपकी सिरह एक यहूदी के पास 30 सा जौ के बदले में रहन रखी हुई थी। इस हदीस से जिरह रखने का सबूत हुआ। जिरह लोहे का कुर्ता जिससे जंग में सारा जिस्म छुप जाता है और उस पर किसी नेजे या बर्छे का असर ना होता था। कदीम जमाने में तकरीबन सारी ही दुनिया में मैदान जंग में जिरह पहनने का रिवाज था। हदीस नंबर 2917 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम ने फरमाया, बखील जो ज़कात नहीं देता और ज़कात देने वाले यानी सखी की मिसाल दो आदमियों जैसी है, दोनों लोहे के कुर्ते पहने हैं, लोहे के कुर्ते यानी ज़िरह, दोनों के हाथ गर्दन से बंधे हुए हैं। ज़कात देने वाला सखी जब भी ज़कात का इरादा करता है तो उसका कुर्ता इतना कुशादा हो जाता है कि ज़मीन पर चलते चलते में घसीटता जाता है, लेकिन जब बखील सदका का इरादा करता है तो उसकी ज़िरह का एक एक हलका उसके बदन पर तंग हो जाता है और इस तरह सिकुड़ जाता है कि उसके हाथ उसकी गर्दन से जुड़ जाते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, फिर बखील उसे ढीला करना चाहता है लेकिन वो ढीला नहीं होता। यह हदीस किताबु ज़कात में गुजर चुकी है, मतलब ये है कि सखी का दिल तो
ज़कात और सदका देने से खुश और कुशादा हो जाता है, और बखील अव्वल तो ज़कात देता नहीं, दूसरे जबरन कहरन कुछ दे भी दे तो दिल तंग और रंजीदा खातिर हो जाता है। उसकी ज़िरह के हल्के सिकुड़ने की यही ताबीर है। बुख़ल की मज़म्मत में बहुत सी आयात व हदीस मौजूद हैं। मर्द मोमिन ज़कात निकालने और अल्लाह के लिए खर्च करने से इस कदर खुश होता है गोया उसकी ज़िरह ने कुशादा होकर उसके सारे जिस्म को ढांप लिया। उसकी ज़िरह की कुशादगी से भी ज़्यादा उसका दिल कुशादा हो जाता है। अल्लाह हर मुसलमान को ये खूबी अता करे, आमीन। बाबुल जुब्बत फिस सफर वल हर्ब, सफर में और लड़ाई में जुब्बा और चोगा पहनने का बयान। मुगीरा बिन शोबा रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए। जब वापस आए तो मैं पानी लेकर खिदमत में हाजिर हुआ। आप शामी जुब्बा पहने हुए थे, फिर आपने कुल्ली की और नाक में पानी डाला और अपने चेहरे मुबारक को धोया। इसके बाद हाथ धोने के लिए आस्तीन चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आस्तीन तंग थी, इसलिए हाथों को नीचे से निकाला, फिर उन्हें धोया और सर का मसा किया, और ये दोनों मोजों का भी मसा और दोनों मोजों का भी मसा किया था आपने। बाबुल हरीर फिल हर्ब, लड़ाई में हरीर यानी खालिस रेशमी कपड़ा पहनना, इस मसला में इख्तिलाफ है। इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा ने मुतलकन इसका पहनना मर्दों के लिए जायज नहीं रखा, और इमाम शाफई और इमाम अबू यूसुफ ने कहा ज़रूरत के वक्त जायज़ है, जैसे ख़ारिश या जुओं में, यानी ख़ारिश हो जाए बदन में या जुएं पड़ जाएं। और अहले हदीस के नज़दीक लड़ाई में भी जायज़ है, बल्कि इब्ने माजूशी ने कहा मुस्तहब है दुश्मन को डराने के लिए। हदीस नंबर 2919 मुत्तफ़क़ अलैह। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ और ज़ुबैर बिन अवाम को ख़ारिश के मर्ज की वजह से रेशमी कुर्ता पहनने की इजाज़त दे दी थी, जो उन दोनों को लाहिक हुई थी, जो इस मर्ज में मुफीद है। यह हदीस लाकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसके दूसरे तरीक की तरफ इशारा किया, जो आगे बयान किया कि ये इजाज़त जिहाद में हुई, और अबू दाऊद की रिवायत में है कि ये इजाज़त सफ़र में दी। अब दूसरी रिवायत में इजाज़त की इल्लत जुएं मजकूर हैं। इस रिवायत में खुजली दोनों में तत्बीक यूँ होगी कि पहले जुएं पड़ी होंगी, फिर जुओं की वजह से खुजली पैदा हो गई होगी। कहते हैं रेशमी कपड़ा ख़ारिश को खो देता है और जुओं को मार डालता है। हदीस नंबर 2920 मुत्तफ़क़ुन अलैह। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ और ज़ुबैर बिन अवाम ने नबी अकरम से जुओं की शिकायत की, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रेशमी कपड़े के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। फिर मैंने जिहाद में उन्हीं रेशमी कपड़ा पहने हुए देखा। हदीस नंबर 2921 अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ और ज़ुबैर बिन अवाम को रेशमी कपड़े पहनने की इजाज़त दी थी। हदीस नंबर 2922
अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत दी थी या ये बयान किया कि रुख्सत दी गई थी इन दोनों हजरात को खारिश की वजह से जो उनको लाहिक हुई थी। यहाँ पर 2921 हदीस नंबर ये मुत्तफ़क अलैह है। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।